कुछ इस तरह सारे दुश्मनों को हराता रहा हूं मैं, कुछ इस तरह से सारे दुश्मनों को हराता रहा हूं मैं, बेवक्त बेवजह बेहिसाब मुस्कुराता रहा हूं मैं। केमिस्ट्री सब्जेक्ट ने अपने बच्चों के लिए एक शेर बोला है कि तेरी बेवफाई पर फिदा होती है जा मेरी, तेरी बेवफाई पर फिदा होती है जा मेरी, खुदा जाने तुझ में वफा होती तो क्या होता। तो केमिस्ट्री को भी हम फिजिक्स की तरह विजुलाइज करेंगे, बायो की तरह फील करेंगे और बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेनली क्वेश्चन कहां से आता है, कलर क्या है, कलर्ड है या कलरलेस है। अब इस पे भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे कमल सर हैं, कमल सर की अभी शादी नहीं हुई है, तो कमल सर का जीवन रंगीन है, मेरी शादी हो चुकी है, पेयरिंग हो चुकी है, तो मेरा जीवन अब कलरलेस हो गया। तो कलर्ड कौन होता है, जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक बार पेयरिंग हो गया मतलब वो कलरलेस हो गया। एग्जाम देने से पहले तुम्हारा माइंड सेट में तीन बातें होनी चाहिए, पॉजिटिविटी कि कितना पॉजिटिव माइंड सेट है, स्ट्रगल तुम क्वेश्चन के साथ कितना ज्यादा स्ट्रगल कर सकते हो, एंड स्मार्टनेस कि अगर क्वेश्चन लेंदी है, क्वेश्चन लॉजिकल नहीं लगा है तो उसको बाद में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। कई बार बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो हम जिनको पढ़ते हुए देख के लगता है यार ये तो टॉप कर देगा बोर्ड में, और एग्जाम देके आता तो पता चलता है उसका रिजल्ट बहुत खराब आया। क्यों? क्योंकि वो इस दिन हड़बड़ा गया, साल भर का उसका अप्रोच अलग था, इस दिन की अप्रोच बदल गई, इस दिन का उसका नजरिया ही बदल गया, वो कुछ और करके आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन नंबर 5 में लिख के आ गया। ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। एक बात बोली, सिली मिस्टेक्स, बच्चे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनेशन हॉल से घर तक का जब आपने सफर किया एग्जामिनेशन दे करके, और उस वक्त अगर आपने ये नहीं बोला अरे ये तो मैंने क्वेश्चन देखा ही नहीं, एग्जामिनेशन में मेरे से ये क्वेश्चन ही छूट गया, दूसरा पेज तो यही नहीं, तो अगर आपने ये चीज आपसे एग्जामिनेशन हॉल के बाद वो इश वाली वर्ड अगर नहीं निकल रही तो आपने एग्जाम बहुत ही अच्छा किया है, इसके लिए मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। और आप लोग तो वो बच्चे हैं जिसने सबसे डिफिकल्ट टाइम्स देखा है, जब आप 10th का बोर्ड दे रहे थे तो उस वक्त कोरोना का फर्स्ट वेव था, और अभी आप जब 12th का बोर्ड दे रहे हैं तो अभी भी हम लोग पूरी तरीके से कोरोना से बाहर नहीं निकले, तो हमारे बच्चे तो ऐसे ही फाइटर हैं और ये बिल्कुल एग्जाम्स फोड़ करके आएंगे। डेरिवेशंस आर नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में डेरिवेशंस आपसे नहीं पूछा जाएगा, डेरिवेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो डायरेक्ट जो फाइनल फॉर्मूलास आता है वो आपको याद होना चाहिए।